नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं चल रही थी और उसमें हम सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 को देखने वाले हैं और ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि का है। सामान्य हिंदी के अच्छे वाले प्रश्न है, 50 MCQs है, अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री इनिशिएटिव है हमारा, इसका भरपूर लाभ लीजिए आप। जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार आपका बेहतर अभ्यास होगा। प्रश्नों को हल करने से नई चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, इसमें एक वाक्य दिया है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो एक सेंटेंस यानी एक पूरा वाक्य है। वाक्य में कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ कैसी है ये आपको पढ़कर पता लगेगी और वही पहचाननी। तो कहा जा रहा है कि उत्कोच से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं। अर्थात रिश्वत लेने से कोई व्यक्ति मना कर रहा है, ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने के लिए मिलता है, कभी कभार, नहीं तो आमतौर पर लोग रिश्वत लेना चाहते हैं, है ना। तो ये वाक्य दिया है, गड़बड़ कहाँ पर है बताइए और कैसी गड़बड़ है। कहाँ पर है ये नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन कहाँ पर है ये मालूम रहेगा तभी आप ये बता पाएंगे कि कैसी है। तो इसमें जो गड़बड़ी है ना वो संज्ञा संबंधी है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि इसलिए है क्योंकि एक ही वाक्य में, कोई भी पूर्ण वाक्य है उसमें अगर एक जैसे अर्थ वाली 2 या 3 संज्ञाओं का आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक से काम चल सकता था, आपने क्या किया वैसे ही अर्थ वाली 2-3 और उसी में डाल दी, तो वाक्य अनावश्यक रूप से बोझिल हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की पुनरावृत्ति का जो दोष है वो इसमें दिखाई देता है। और वो शब्द कैसे हैं, वो संज्ञा शब्द हैं, अर्थात दृष्टांत और उदाहरण दोनों का अर्थ एक है। एक ही आप लिखते, चाहे दृष्टांत लिखते तो भी काम हो जाता, उदाहरण लिखते तो भी काम हो जाता, दोनों को लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये अनर्गल शब्द है और इसीलिए संज्ञा संबंधी अशुद्धि यहाँ पर दिखाई देती। प्रश्न संख्या 2 को देखें, अल्पायु में भी वह समग्र ज्ञानी। वाक्य दिया है, वाक्य गलत है, ठीक, ये वाक्य जो है ना ये सही नहीं है। अब क्यों नहीं सही है, मतलब कौन से शब्द में दोष है, शब्द की संरचना में दोष है, वो आपको बताना है। तो यहाँ 2 ही शब्द दिए हुए हैं, एक तो अल्पायु, दूसरा समग्र। गड़बड़ी भी उसी में हो सकती है, बाकी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें गड़बड़ होगी। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी मतलब कौन सा शब्द इसमें गलत है, दोनों गलत है या कोई एक। तो समग्र में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, समग्र जो शब्द है ना वो एकदम सही दिया है। लेकिन ये जो अल्पायु शब्द दिया है इसमें दोष दिखाई देता है, गड़बड़ी है। अल्पायु का मतलब क्या होता है, जो कि कम आयु में ही समाप्त हो गया हो, कहते हैं ना कि वो अल्पायु थे, अल्पायु यानी छोटे से जीवन काल को जीने के बाद वो स्वर्गवासी हो गया, ऐसा जो जीव है उसके लिए हम अल्पायु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। असल में आयु जो शब्द है ना जिससे कि अल्पायु बना हुआ है, आयु का मतलब होता है पूरी जिंदगी, मतलब एक मनुष्य या किसी भी जीव की पूरी जो जिंदगी है। मान लीजिए कोई मनुष्य जो है वो 80 साल तक जीता है तो वो उसकी आयु है, वो उसकी उम्र है असल में। और उम्र के जिस पड़ाव पर वो होता है उसको कहते हैं वय या फिर अवस्था, दोनों ही शब्द जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मान लीजिए कि आपकी टोटल जो जीवन, आपका जो टोटल लाइफ साइकिल है वो पूरा 80 वर्ष का है, सपोज दैट, किसी को पता नहीं होता है, मतलब एक अंदाजा 80 साल का है, उसमें से इस समय वर्तमान में जो आपकी आयु है वो 26 वर्ष की है मान लीजिए, तो 26 वर्ष जो है वो आपकी वय है या फिर आप कहेंगे कि वो आपकी अवस्था है, न कि आपकी आयु। आयु कोई नहीं बता सकता, है ना। तो यहाँ पर अल्पायु शब्द का उपयोग ही गलत है, यहाँ होना चाहिए था अल्प वय में ही वह समग्र ज्ञानी है, ठीक। तो वाक्य में जो इसका अल्पायु शब्द है उसका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए था, क वाला इसमें चुनेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिए। अब यहां कहा जा रहा है कि घातक विष सुंदर शोभा और बुरी कुदृष्टि, ये शब्द के जोड़े दिए हुए। अब आपको ये बताना है कि इसमें त्रुटि कौन सी। तो घातक विष सुंदर शोभा और बुरी कुदृष्टि, ये जो शब्द दिए हैं इसमें गड़बड़ी कहां पे है, मतलब कैसी गड़बड़। तो गड़बड़ी इसमें विशेषण की है, विशेषण संबंधी दोष है सभी में, अनावश्यक विशेषणों का इस्तेमाल किया गया है। घातक विष, विष तो घातक होता ही है, कोई भी विष हो वो घातक ही होता है, प्राण घातक हो या ना हो लेकिन घातक होता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। बाकी सुंदर शोभा, शोभा है तो सुंदर ही होगी, उसमें कोई बुराई तो होगी नहीं, तो सुंदर शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए था, जो कि एक गुणवाचक विशेषण है। और बुरी कुदृष्टि, कु का मतलब खुद ही बुरा होता है और दृष्टि मतलब निगाह, तो बुरी निगाह तो यही हो गया। अब उसमें एक बुरा शब्द और एक्स्ट्रा जोड़ने की क्या आवश्यकता है,
है ना। तो इसमें विशेषण अनावश्यक रूप से चिपकाए गए हैं, इसलिए ये जो शब्द युग्म दिए हुए हैं इनमें विशेषण संबंधी दोष। इसके बाद चौथे प्रश्न में कहा गया कि भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा। अब आप ये बताइए कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। अब यहाँ पे शुद्ध करना है, गड़बड़ी नहीं तलाशनी है बल्कि उसे शुद्ध करके बताना है। तो बृहत वृक्ष क्षण में गिर पड़ा, विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा, ऐसे ही करके विकल्प दिया है, आप देखें और बताएं। तो इसका जो ख वाला विकल्प है वो ज्यादा सही दिखाई देता है। ठीक, वृहत वृक्ष क्षण में गिर पड़ा, विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा। क्षण में गिर पड़ा ये शब्द जो है ना, इसकी तुलना में क्षण मात्र में गिर पड़ा ये वाला ज्यादा सही होता है। मतलब देखते ही देखते गिर पड़ा, इसका तात्पर्य ये होता है। क्षण मात्र यानी क्षण भर का, सेकंड भर का समय लगा और वो गिर पड़ा। तो यहाँ समय की एक सीमा हम लोग नापते हैं ना, तो तुलनात्मक रूप से ये वाला जो वाक्य है ये ज्यादा सही है। भीमकाय वृक्ष, असल में भीमकाय जो शब्द है वो मनुष्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो बृहत विशाल और भीमकाय शब्द है तीनों का मतलब होता है बड़ा, लेकिन ये अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बृहत शब्द जो है वो आमतौर पर किसी लंबी चौड़ी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। वृक्ष जो है वो चौड़ा नहीं होता है, लंबा होता है, उसकी लंबाई होती है, हाँ विस्तार भी होता है। तो वृक्ष के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो है विशाल। ठीक, बृहत और भीमकाय जैसे शब्द जो है वो वृक्ष के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। आमतौर पर जो शब्द हम जिस काम में इस्तेमाल करते हैं उसी में वो अच्छा लगता है। तो हिंदी व्याकरण में भी एक तरीका बन गया है, मतलब एक ढर्रा जैसा बन गया है कि कुछ शब्दों को हम कुछ खास वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ जो विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा वाला वाक्य है वो ज़्यादा सही है। और इसके बाद देखते हैं पांचवें प्रश्न को, जो कि ऊपर दिया है। पूछा गया कि पानी तेल से भारी है, ये वाक्य दिया है, इसमें आप ये बताइए कि वाक्य में त्रुटि है। पहली चीज़ तो ये देखकर अंदाजा लगना चाहिए कि वाक्य गलत है या नहीं। तो ये वाक्य गलत है असल में, और इसमें किस तरीके की त्रुटि है ये आपको बताना पड़ेगा। तो बताइए, अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर इसमें ग होना चाहिए, है ना। ग इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको ये कहना पड़ेगा पानी तेल से भारी है। अब ये भारी वाला शब्द जो है ना, मतलब आप भार बता देंगे तो इससे कोई अर्थ थोड़ी ही निकलेगा। पानी और तेल की समान मात्रा आप ले लीजिए तो दोनों का भार एक बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब दोनों के लिए जो वेट है आप बराबर ले रहे हैं, तो तोलेंगे तो बराबर आएगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पानी तेल से भारी है? ये जो वाक्य है यही गलत दिया है। यहाँ पर ये होना चाहिए कि पानी का घनत्व तेल से ज़्यादा है, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ घनत्व शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि भार का। तो शब्द का इस्तेमाल गलत किया है, और वो शब्द किससे संबंधित है, यहाँ पर सघनता से तात्पर्य है। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखें छठवें नंबर के प्रश्न को, वह अवतरण सूर्य के पद से लिया गया है। अब यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि वह अवतरण सूर्य के पद का लिया गया है। वाक्य में आप देखें कि कौन से कारक के प्रयोग में अशुद्धि हुई है, त्रुटि हुई है। तो छठवां आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका ग होगा। यहां करण कारक में अशुद्धि, मतलब करण कारक का जब आपने इस्तेमाल किया है तो उसी में गड़बड़ हुई है। ठीक, तो अब करण कारक के प्रयोग में कैसे गड़बड़ हुई है ये आपको इसमें देखना पड़ेगा। वह अवतरण सूर्य के पद से लिया गया है। ठीक, यहाँ जो वाक्य की संरचना है उसमें डिस्टर्बेंस है और कारक के प्रयोग में गड़बड़ हुई है, तो करण कारक का जो इस्तेमाल है वो इसमें गलत तरीके से किया गया है। इसके बाद सातवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, संप्रदान होगा नहीं। यहाँ देखिए पहचानना आसान है, इलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते हैं। संप्रदान नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ किसी को कोई चीज़ देने की बात नहीं हो रही है। संप्रदान में यही होता है कि कर्ता जो है वो कर्म को अपनी स्वेच्छा से कोई चीज़ दे रहा होता है, और कर्ता कारक होगा नहीं, कर्ता कारक की अशुद्धि यहाँ पर है नहीं, वो दिखाई दे रही है। तो बचता है करण कारक, क और ग दोनों हो नहीं सकते क्योंकि वहाँ भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं, तो एकमात्र इसका ग वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखें सातवें नंबर के प्रश्न को, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। तो यहाँ देखें अंतः कथा लिखा है, कृत्य कृत्य लिखा है, मनज्ञ लिखा है, और ख और घ दोनों दिया है, बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका घ ही होगा, और घ का मतलब ये होगा कि ये दोनों ही जो है ये गलत हैं। कृत्य कृत्य होता है ना कि कृत्य कृत्य, और मनोज्ञ होता है, मनज्ञ नहीं, ये शब्द गलत है। प्रश्न संख्या आठ को देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला आपको ढूंढना है। अनवासिक लिखा है, भुजंगिनी लिखा है, अकस्मात लिखा है, और तत्वाधान लिखा है। इसमें से शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है वो आपको बताना है। तो इसमें अकस्मात जो लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं अकस्मात जो लिखा है वो ठीक लिखा है, त के साथ हलंत रहेगा। बाकी जितने भी शब्द दिए हुए हैं उनमें गड़बड़ी है। अब यहाँ बाकी जो शब्द है उनको भी देख लेते हैं। अनुवासिक होता है न कि अनवासिक, और भुजंगी होता है न कि भुजंगिनी, भुजंगी होता है। ठीक, और अकस्मात ठीक लिखा है, तत्वावधान होता है, ये गलत दिया हुआ है, इसमें से सिर्फ ग वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नौवें नंबर के प्रश्न में देखिए, कागजातों को संभाल कर रखो लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो रेखांकित शब्द है यानी कागजात,
उसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। तो अब यहाँ जो लिखे हुए हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। इसका जो नौवां प्रश्न आप देख रहे हैं, जो घ वाला विकल्प है या क वाले में, किसी भी एक में, दोनों तो एक ही दिखाई देते हैं, ऐसे लिख लीजिए कागजात। यहाँ ज के नीचे ना हल्की सी बिंदी लगा लीजिए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, कागजात न कि कागजात, तो कागजात पढ़ेंगे, और इसीलिए यहाँ जो बिंदी है ज के नीचे वो हल्की सी लगेगी। ये यहाँ पर दोष था, उसको शुद्ध अगर करेंगे तो इस रूप में दिखाई देगा, जो कि इसमें कहीं दिया नहीं है। तो आप किसी एक में ज के नीचे बिंदी लगा लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। दोषपूर्ण वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। दायित्व लिखा हुआ है, कुवत लिखा हुआ है और क के नीचे बिंदी लिखी हुई है, मतलब लगी हुई है। तत्व लिखा है और नीचे लिखा है कि सब गलत है। तो बताइए दोषपूर्ण यानी गलती कहां पर है, वर्तनी दोष कहां पर है? तो कुवत जो लिखा है वही गलत लिखा है। कुवत सीधा सीधा लिखा जाता है, इसमें हर जगह जैसे ज में वहां बिंदी लगा दी हमने, वैसे यहां पर नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा कुवत। यहां पे क के साथ बिंदी नहीं रहेगी, तो ये अपना सही है, मतलब उत्तर हमें जो बताना था उसके लिहाज से सही है। इसकी वर्तनी में दोष है, लिखा ऐसे जाएगा, बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंकुर, गांधी, आंसू, ये सब जो है ना ये वर्तनी के लिहाज से क्या है, गलत है। आप कहेंगे कि गांधी तो ठीक लिखा है, नोट पर ऐसे ही लिखा रहता है महात्मा गांधी, तो भाई वो महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी में ग के ऊपर बिंदी ही यानी अनुस्वार का ही इस्तेमाल होता है, चंद्रबिंदु नहीं इस्तेमाल होता। उसमें वजह यह है कि गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे और गुजराती जो वर्णमाला होती है ना, गुजराती जो लैंग्वेज होती है, उसका जो अल्फाबेट का क्रम होता है उसमें चंद्रबिंदु उपलब्ध ही नहीं होता, वो लगाएंगे कहाँ से। तो वहां पर चंद्रबिंदु का काम और अनुस्वार का काम सिर्फ एक बिंदी से चल जाता है, दोनों के लिए एक कॉमन चीज इस्तेमाल करते हैं, एक बिंदु। लेकिन हिंदी भाषा में हम उच्चारण के आधार पर काम करते हैं, हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, तो जब हम उसमें, और सब हिंदी की ही देन है बाकी भाषाएं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम दोनों के लिए अलग अलग स्वरूप का जिक्र करते हैं। मतलब आप जैसे नाक का ज़्यादा इस्तेमाल करके उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ पे अनुस्वार लगा लीजिए, नाक का कम इस्तेमाल और मुंह का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो वहाँ जो स्वर का उच्चारण होगा उसमें चंद्रबिंदु का इस्तेमाल कर लीजिए। सीधी बात है, इसमें पहचानना आसान है, बहुत ज़्यादा व्याकरण के नियमों में उलझने की अपेक्षा प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गांधी नहीं कहते, गांधी कहते हैं, आराम से बोल देते हैं, नाक का हल्का सा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कायदे से होना चाहिए था चंद्रबिंदु, तो ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक नहीं लिखा है। तो अब इसका शुद्ध रूप आपको तलाशना है, बताइए ये हिंदी की वर्तनी के लिहाज से यहाँ पर गलत बताया गया है, तो देखिए और बताइए। तो देखिए अंकुर जो शब्द होता है ना, इसमें हम लोग दबाव देके बोलते हैं अंकुर, मतलब अगर आपकी नाक बंद कर दी जाए तो आप अंकुर का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ चंद्रबिंदु की जगह पे क्या होना चाहिए था, अनुस्वार होना चाहिए था। आंसू नहीं बोला जाता है, आंसू नहीं बोलते हैं, आंसू बोलते हैं, आंसू बोलते हैं, हल्का सा नाक का इस्तेमाल करते हैं, बाकी मुंह से स्वर निकलता है। तो वहां पे होना चाहिए था चंद्रबिंदु, आंसू में क्या होना चाहिए था, चंद्रबिंदु, और गांधी में भी वही चांद बिंदी लगनी चाहिए थी, चंद्रबिंदु का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें से कौन सा पेयर हमारा सही होता है, घ वाला। यहाँ देखें ये बिंदी भाग गई है इधर, इसको बीच में लगा लीजिए, मतलब कुल मिलाकर ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, गांधी और आंसू में चंद्रबिंदी लगेगी और अंकुर में अनुस्वार। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा गया कि वर्तनी के लिहाज से कौन सा सही है। तो अर्थात लिखा है, अनुग्रह लिखा है, अर्थात फिर से लिखा है, नीचे हलंत लगा है त के साथ, और षणमास लिखा है। तो 12वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ग हो जाएगा, सही इसमें अर्थात है, ठीक है, अर्थात ऐसे लिखा जाता है, त के साथ ऐसे हलंत रहता है, अनुग्रह होता है ना कि अनुग्रह, और ये वाला तो गलत लिखा ही है। षणमास होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ना, अढ़ को जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आधा और पूरा, और यहाँ पे सिर्फ पूरा लगा के छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर इसमें जो अर्थात लिखा हुआ है ये वाला, ये सही। इसके बाद 13वें प्रश्न में कहा गया कि वर्तनी के लिहाज से कौन सा गलत है। तो यहाँ मूर्धन्य लिखा है, और मूर्धन्य कैसे लिखा है वो आप देख रहे हैं। इसके बाद शुरंगार लिखा है, चरमोत्कर्ष लिखा है, सभी लिखा है नीचे, मतलब सब गलत है ऐसा, तो बताइए। और इसका जो घ वाला है वही सही होगा, मूर्धन्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, मूर्धन्य आप जानते हैं कि ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मूर्धन्य ऐसे लिखते हैं, शुरंगार ये आप देख रहे हैं, सुरंगार जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, इसकी कोई संरचना ही नहीं है। हाँ, इसको हम श्रृंगार में जरूर तब्दील कर सकते हैं, तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक, तो इसकी भी वर्तनी गड़बड़ है। चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखते हैं, वहां पे च र म ऐसे लिख के और उसके ऊपर ऐसे ओ की मात्रा लगाते हैं, मतलब र पूरा रहता है, उड़न्तु र नहीं लगता है। तो इसमें जितने हैं सब गलत लिखे हैं। इसके बाद 14वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कृशांगी, कृशांगी एक शब्द है जो कि गलत है। आपको ये बताना है कि इसमें कैसी गलती है, मात्रात्मक गलती है, अनुस्वार अनुस्वारगत गलती है, अनुनासिक की गलती है, या रेफ का इस्तेमाल इसमें गलत तरीके से हुआ है।
तो प्रश्न संख्या 14 को आपने देखा और राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। रेफ का प्रयोग इसमें जो हुआ है वो गड़बड़ है, यहां पे होना चाहिए था कृषांगी, री की मात्रा लगनी चाहिए थी ना कि रेफ र। यहां पर जो मात्रा लगेगी ना वो री की मात्रा है, र से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं। तो ये जो मात्रा है इसमें री की लगनी चाहिए थी, रेफ वाला र नहीं, इसीलिए इसमें घ वाला जो विकल्प है उसको हम चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखें, बेफिजूल सानंद पूर्वक तदोपरांत, ये सारे शब्द जो है ये गलत है। अब आपको ये बताना है कि इसमें गड़बड़ी कैसी है, प्रत्यय का अनुचित इस्तेमाल हुआ है, रेफ का गलत प्रयोग हुआ है, उपसर्ग गलत इस्तेमाल हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका ग होगा, उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। यहां जितने भी हैं आप देख रहे हैं कि उपसर्ग इसमें गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, मतलब यह है कि आप यहां लिख देते कि आनंद पूर्वक तो ठीक हो जाता, लेकिन आपने लिखा सानंद पूर्वक। तो आनंद पूर्वक यानी आनंद के साथ, सानंद मतलब होता है आनंद के साथ, उसमें पूर्वक लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो आपने क्या किया, उपसर्ग की गड़बड़ की, मतलब आनंद पूर्वक लिखने की बजाय आपने क्या किया, सानंद पूर्वक उसमें सा उपसर्ग जोड़ दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। और उसी तरीके से यहाँ फिजूल में आपने बे जोड़ दिया, बे का मतलब खुद ही होता है बेकार, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है, और फिजूल का मतलब भी होता है बेकार, व्यर्थ। तो दोनों एक समान अर्थ वाले थे, तो उपसर्ग का गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे तदुपरांत होना चाहिए था ना कि तदुपरांत, तो यहाँ भी उपसर्ग का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें से हम ग वाले को चुनते हैं। इसके बाद कहा गया 16वें प्रश्न में कि राकेश कुत्ते को पीटा, वाक्य गलत है। वाक्य में कैसी गड़बड़ है आपको बताना है, तो कारक का दोष है, विभक्ति का दोष है, उपसर्ग का दोष है कि वाक्य ही पूरा शुद्ध है, ये ऐसे ही बोल रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ख होना चाहिए, यहाँ पर विभक्ति का दोष है। देखिए विभक्ति का जब दोष उत्पन्न होता है ना, तो विभक्तियां ही कारक को जन्म देती हैं, तो कारक का दोष उसके बाद पैदा होगा ही होगा। तो मूल रूप से दोष किसका है, विभक्ति का दोष है। ठीक, तो यहां आप देख रहे हैं राकेश कुत्ते को पीटा, इसमें विभक्ति का दोष। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखें, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, ऐसा वाक्य दिया है, इसमें कैसा दोष है आपको बताना है। क्रम विन्यास का दोष है, विराम चिन्ह का है, वाक्य शुद्ध है, क्या दिक्कत है इसमें बताइए। तो 17वां प्रश्न आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो होगा इसका 17वें का क वाला ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, मतलब क्रम विन्यास का दोष है, इसका क्रम आप सही कर दीजिए, ये वाक्य ठीक हो जाएगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, ऐसे आपको लिखना चाहिए था, ठीक, लेकिन वाक्य में यहाँ जो क्रम है उसमें व्यवस्था में गड़बड़ी। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं और 18वें में पूछा गया कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, कापियां किसकी हैं, प्रस्तुत पंक्तियां भाभी से ली गई हैं, ऐसा लिखा है, और हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता सामने आती है, मुझे सेब काट कर खिलाओ, अच्छे अच्छे वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है जरा बताइए। तो घ वाला सही है, मुझे सेब काट कर खिलाओ, मुझे काट कर सेब खिलाओ, ये अगर ऐसे लिखा होता तो गड़बड़ होता, क्योंकि आपको तो काटा नहीं जाएगा, काटा जाएगा सेब को, तो बात ठीक लिखी है, यहाँ पे सेब ही काटने की बात हो रही है, तो वो सही लिखा हुआ है, बाकी जितने हैं गड़बड़ है। यह कापियां किसकी हैं, ऐसे होना चाहिए, प्रस्तुत पंक्तियां भाभी नामक पाठ से या भाभी नामक रचना से ली गई हैं, ऐसा होना चाहिए। कुल मिलाकर भाभी से ली गई हैं तो इसका मतलब फिर दूसरा निकल आएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ये वाक्य गलत दिया है। और ग वाला जो दिया हुआ है, हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता सामने आती है, तो वीरता सामने आती है, वीरता कोई वस्तु तो है नहीं कि सामने आ जाएगी, ये तो एक भाव है मन का, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था हल्दी घाटी से राणा प्रताप की वीरता उजागर होती है, ऐसे लिखना चाहिए, बात वही है, सामने आना और उजागर होने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किस वाक्य में कैसे इस्तेमाल करना है वैसे शब्द हमें चुनने पड़ेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि 19वां, इसमें कहा गया कि वर्तनी शुद्ध है किसकी बताइए, तो संन्यास लिखा है, कैलाश लिखा है, कैकेयी लिखा है, और सभी, मतलब सभी सही है, तो बताइए, तो सभी सही है, इसमें गड़बड़ नहीं है, संन्यास ठीक लिखा है, कैलाश भी ऐसे ही लिखा जाता है, अगर आप बड़ा श अभी तक लिखते थे लास्ट में तो मत लिखिएगा, यहाँ छोटा सा ही इस्तेमाल होता है, ये तालव्य श नहीं इस्तेमाल होगा, है ना, कैलाश ही लिखा जाता है, और कैकेयी ऐसे ही लिखा जाता है, तो सब सही। इसके बाद 20वें प्रश्न को देखिए, गुलाब जामुन मुझे बे इंतहा पसंद है, इसमें मोहब्बत तो सुनी थी कि बे इंतहा होती है, लेकिन गुलाब जामुन के प्रति जो मोहब्बत है वो बे इंतहा है, ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये बताना है कि वाक्य में जो दोष है वो कैसा है, गड़बड़ी तो है लेकिन कैसी गड़बड़ है। तो ये जो 20वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें ख होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था गुलाब जामुन मुझे बेहद पसंद है, बे इंतहा का भी घुमा फिरा कर अर्थ वही होता है, लेकिन बात यह है कि शब्द का चयन आप कहाँ पे किस वाक्य में कर रहे हैं ये ध्यान देना होगा। जैसे वही कहा जाता है कि विज्ञान और साहित्य या समाज और साहित्य का घोर संबंध है, तो घोर शब्द और घनिष्ठ दोनों का मतलब सघनता से ही होता है, लेकिन ये एक नकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल होता है, दूसरा सकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल होता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ भी है। बे इंतहा शब्द जो है वो आमतौर पर प्यार मोहब्बत के मामले में, मतलब कुल मिलाकर प्रेम के मामले में इस्तेमाल होता है, जिसकी कि कोई इंतहा नहीं ली जा सकती,
लेकिन गुलाब जामुन के प्रति जो आपका प्रेम है उसके लिए बेहद शब्द भी काम करेगा, तो बेहद ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ शब्दों का चयन ठीक नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में से आपको गलत की तलाश करनी है, बताइए। तो यहाँ देखें, पहले तो अशुद्ध लिखा है, मतलब जो पहला शब्द आप देखेंगे वो गलत लिखा होगा, दूसरा उसको शुद्ध करके लिखा है। तो पहले में लिखा है बधाइयाँ, गलत की तलाश करनी है, बधाइयाँ ऐसे लिखा है, फिर क्या किया है कि जो बड़ी ई थी उसको छोटी ई बना दिया है, यही इसमें सुधार हुआ है। इकाई में यहाँ आप देख रहे हैं बड़ी ई दोनों थी, आपने क्या किया, एक जो शुरुआत वाली ई है उसको छोटा कर दिया और बाकी जो है जस का तस रख दिया, उषा की जगह पे आपने उषा लिख दिया। अब ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है, तो इसका जो घ वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिएगा, क्योंकि हमने सारे वाक्यों को, माफ कीजिए, सारे शब्दों को सही कर दिया है। बधाइयाँ नहीं लिखा जाता है, बधाइयाँ लिखा जाता है, इकाई में जो पहली ई होती है वो छोटी होती है, हम पढ़ते हैं इकाई, यानी अंतिम वाली ई पर जोर देते हैं, पहली वाली को जल्दी से पढ़ते हैं, तो लास्ट वाली ई जो है वो बड़ी होगी, पहली वाली जो है वो छोटी होगी। और यहाँ उषा हम लोग नहीं कहते हैं, उषा कहते हैं, तो सभी सही दिया है। इसके बाद 22वें में देखिए, यहाँ कहा गया अत्याधिक पहला द्वारिका, ये जो शब्द है इनमें वर्तनी दोष है, कैसा दोष है बताइए, किस तरीके का दोष। तो ये जो 22वां प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर इसमें क हो जाएगा, स्वर आगम का दोष है, उच्चारण, मतलब जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो स्वर जैसा उच्चारण होना चाहिए, मतलब जिस शब्द में जैसे स्वर का उच्चारण होना चाहिए, अगर वैसा आप नहीं करते हैं तो आप लिखेंगे भी गलत। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तनी को सुधारना है तो पहले सही लिखिए उसको, माफ कीजिए, सही उच्चारण करिए, तभी आप सही लिख पाएंगे। तो उच्चारण सही होना चाहिए, और उच्चारण में अगर स्वर का दोष हुआ, मतलब आपने गलत स्वर का इस्तेमाल किया, होना चाहिए था अत्यधिक, आपने पढ़ा अत्याधिक, आपने अ की जगह पे आ का उच्चारण किया, तो आपने लिखा भी गलत है ना। पहला बोलना चाहिए था, अ का उच्चारण बीच में होना चाहिए था, आपने बोला पहला, आपने छोटी ई वहां पे घुसा दी, तो यहां भी क्या है, स्वर संबंधी, स्वर आगम का दोष है। और द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, तो आपने क्या किया, अनावश्यक रूप से छोटी ई की मात्रा यानी एक स्वर उसमें घुसा दिया, तो ये स्वर आगम का दोष यहां भी पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें स्वर आगम का दोष। इसके बाद 23वें प्रश्न को देखिएगा, कालंदी, कालंदी शब्द है, गलत देखकर लग रहा है, बताइए कि दोष कैसा है, मात्रा गलत है, स्वर का लोप हो गया है, अनुस्वार का गलत हमने इस्तेमाल कर दिया है, या चंद्रबिंदु लगाना चाहिए था कहीं पर, तो अब देखिए और बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ख हो जाएगा, स्वर का लोप होना चाहिए था, यहाँ पे आप देखें कालिंदी होना चाहिए था, मतलब स्वर का लोप असल में नहीं होना, यहाँ देखें आप ध्यान से, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है, कालिंदी ये इसका जो असली शब्द है वो क्या होगा, कालिंदी होगा, यमुना को कहा जाता है, तो इसमें ल पे लगनी चाहिए थी छोटी ई की मात्रा, है ना, ये बिंदी तो रहेगा ही, लेकिन उससे पहले ल पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, यानी एक छोटा छोटी ई वाला जो स्वर है वो इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कि यहाँ से गायब कर दिया गया है, तो स्वर का लोप हो गया है, स्वर यहाँ से क्या है, गायब है, इसलिए शब्द गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 24 को देखिएगा, 24 में भी कहा जा रहा है कि शब्दों के लिए उपयुक्त वर्णों को उनके क्रम में नहीं लगाया गया और उनके नियत स्थान की अपेक्षा कहीं और इस्तेमाल कर दिया गया, तो ये एक वर्तनी का दोष कहलाता है, लेकिन किस तरीके का दोष कहलाता है वो आपको बताना है। मतलब ये है कि शब्दों में जो वर्ण इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अक्षर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्रम में न लगाकर अस्त व्यस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगा रहे हैं, तो इससे कैसा दोष उत्पन्न होगा बताइए। तो 24 का जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, इसमें क्रमभंग तो होगा ही, क्योंकि आपने क्या किया, वर्णों का क्रम तोड़ दिया, दूसरी बात यह है कि वर्ण जो है वो बिखर गए, तो वर्णों का व्यतिक्रम भी होगा, इसलिए दोनों ही ठीक, तो हमने क्या चुना, घ को चुना, ख और घ दोनों। इसके बाद 25वें को देखते हैं, याज्ञ, यहां देखें याज्ञवल्क, ये शब्द है गलत है, मतलब गलत लिखा है, शुद्ध शब्द होता है याज्ञवल्क्य, ऐसे लिखा जाता है, तो ये कैसी त्रुटि थी, दोनों ही शब्द आपको लिख कर दिखा दिया है, अब आपसे त्रुटि का तरीका, मतलब त्रुटि का प्रकार पूछ रहा है, कैसी त्रुटि है बताइए। यहां पर आपने क्या किया था, याज्ञवल्क लिखा था पहले, अब उसके बाद लिख दिया याज्ञवल्क्य, तो नीचे देखें वर्ण व्यतिक्रम का दोष है, स्वर ही लुप्त हो गया था, व्यंजन का लोप हो गया था, मात्रात्मक अशुद्धि है, इसमें असल में व्यंजन का लोप हुआ था, हमने क्या किया, एक पूरा जो आधा व्यंजन था उसको गायब कर दिया, आधा नहीं बल्कि एक पूरा व्यंजन गायब कर दिया ना, यहां देखिए लास्ट वाला यह हमने लगाया ही नहीं था, यह क्या है, एक व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, तो व्यंजन का ही लोप हो गया था यहां से, उसको हमने लगा दिया, वाक्य जो शब्द है वो सही हो गया। इसके बाद 26वें को देखिएगा, निशंग, निशंग का मतलब होता है तर्कश, जिसमें कि तीर रखे जाते हैं, लेकिन इसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, तो शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तालव्य श को आप हटा के वहाँ पे मूर्धन्य श का इस्तेमाल कर दीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे फिर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग वाला निशंग ऐसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को देखें, संक्षिप्तीकरण, देख रहे हैं
दोषपूर्ण शब्द है, इसमें कैसी अशुद्धि है ये आपको बताना है, बताइए। 27 का करेक्ट आंसर क हो जाएगा, व्यंजन द्वित का इसमें अशुद्ध इस्तेमाल हुआ है। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण होना चाहिए, संक्षिप्तीकरण होना चाहिए, मतलब यह है कि व्यंजन द्वित जो है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और जब हमने संज्ञा का इसमें मतलब संधि विच्छेद को माफ कीजिएगा, यहाँ पे जब हमने संधि का आपस में मिलान किया, या ये कहें कि संधि की दो शब्दों को जोड़ा, संक्षिप्त और करण को आपस में जोड़ा, तो ये बना संक्षिप्तीकरण। तो यहाँ पे त पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। अब इसमें व्यंजन द्वित का जो अशुद्ध प्रयोग है वो दिखाई देता है, संयुक्ताक्षर का व्यवधान नहीं है, वो तो तब होता है ना जब संयुक्ताक्षर जब हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें कोई अक्षर बीच से गायब कर देते, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ मात्रात्मक दोष है जो कि व्यंजन द्वित के तौर पे देखा गया है, तो क वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 28वें को देखते हैं, वर्तनी के लिहाज से कौन सा सही है। अब यहाँ लिखा है उल्लेखित, शुद्धिकरण, वृद्धि, शुद्धिकरण, कौन सा सही है बताइए। तो 28 जो है इसका राइट आंसर घ होगा, शुद्धिकरण, ये जो लिखा हुआ है ये ठीक है। और इस पूरे प्रश्न में वृद्धि भी ठीक लिखा हुआ है, ग और घ दोनों सही है। यहाँ ऐसा कोई दो ऑप्शन चुनने का विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन दोनों सही है। उल्लिखित होता है, उल्लेखित नहीं होता है, और शुद्धिकरण आप देख ही रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं, यहाँ देखिए सही वर्तनी का आपको प्रयोग करना है, मतलब कौन सा शब्द है पहचानना है। पिशाचनी लिखा है, जगत जननी लिखा है अलग अलग, द्रष्टव्य लिखा है, और इसके अलावा गरुण लिखा है। कैसे लिखा है वो आप देख रहे हैं। तो 29वें प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए कि सही वर्तनी किसकी है। और ये जो है इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, द्रष्टव्य जो लिखा है वो ठीक लिखा है, बाकी जितने हैं सब गड़बड़ है। जगत जननी होता है, आप दोनों को जोड़िएगा नहीं, अलग अलग करके रखिएगा। जगत और जननी को हम जोड़ेंगे ना, मतलब उसकी संधि करेंगे, तो ये जगत जननी मतलब ऐसे ज वाला जो आधा ज वाला इस्तेमाल है वो बीच में करना पड़ेगा, इसे जोड़ना पड़ेगा ना, तो हमने अलग अलग लिख दिया है, तो ये जो शब्द है ये गलत हो गया है, वर्तनी गलत है। पिशाचनी होता है ना कि पिशाचनी। और गरुड़ ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसमें लास्ट में जो अड़ इस्तेमाल होता है वो पेड़ वाला अड़ होता है, ठीक। तो इसमें से द्रष्टव्य जो लिखा है वो ठीक लिखा है। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखें, गलत वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। गौवें लिखा है, त्रिकाल लिखा है, दांत लिखा है, दांत कैसे लिखा है वो देख रहे हैं आप। इसमें बताइए गलत वर्तनी किसकी, तो सभी की गड़बड़ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये दांत ऐसे लिखा जाता है ना, त्रिकाल ऐसे नहीं लिखा जाता, त्र लिखा जाता है ना कि नीचे री की मात्रा लगाते हैं, गायें होता है ना कि गौवें होता है, या तो गौ ही लिख दीजिए। तो इस तरीके से बाकी सभी जो है इसमें वर्तनी गलत है, इसलिए हम घ का चयन करते हैं। इसके बाद 31वें को देखते हैं, मृत्युंजय लिखा है, मृत्युंजय की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी बताइए। तो देखें और बताएं इसमें से कौन सा सबसे उपयुक्त तो होगा। 31 को आप देख रहे हैं, ग वाला इसमें ज्यादा सही होगा, मृत्युंजय लिखेंगे कैसे, ये ईया वाला इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, ठीक। ये ऐसे मृत्यु और इसके बाद ये आधा ईया इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद ये जय, मृत्युंजय। और नहीं तो यहाँ आधा न नहीं इस्तेमाल करेंगे, या तो आपके पास दूसरा तरीका यह है जो कि आजकल ज्यादा प्रचलित है, हम लोग ऐसे लिखते हैं मृत्युंजय, ये भी चल जाएगा, लेकिन आधा न नहीं प्रयोग करना है, उसका मतलब बदल जाएगा। आप या तो ऊपर बिंदी लगा दीजिए और नहीं तो फिर आधी ईया लिख दीजिए, लेकिन आधा न नहीं प्रयोग करेंगे। तो इसमें से हमारा जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्तनी के लिहाज से गलत है। तो महाज्ञ लिखा है, शिरोपीड़ा लिखा है, सर्वश्र लिखा है, और सभी मतलब सभी गलत है, कौन सा गलत है बताइए। करेक्ट आंसर इसका घ हो जाएगा, सभी गलत है, मतलब यह है कि महोज्ञ होता है, महाज्ञ नहीं होता है, शिरह पीड़ा होता है ना कि शिरोपीड़ा, और सर्वश्र या तो सर्वश्र होगा या नहीं तो सर्वज्ञ होगा, सर्वश्र कोई शब्द नहीं होता है ना, तो सभी गलत है इसमें। इसके बाद 33वें प्रश्न को देखिए, कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त है बताइए। तो बकायदा लिखा है, बंगला लिखा है, श्रीमती लिखा है, सभी मतलब सभी सही है ऐसा। तो 33 आपने देखा करेक्ट आंसर इसका घ हो जाएगा, ये सभी सही है। यहां जो लिखा है ना ये एक एक शब्द सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं, तो हमने इसमें से घ को चुन लिया। इसके बाद आगे बढ़ते 34वें प्रश्न में कहा गया कि मेरा सामान तेरा नहीं हो सकता। अब ये चार वाक्य असल में दिए हैं, उसमें से अशुद्ध वाक्य आपको ढूंढना है। तो पहला वाक्य है कि मेरा सामान तेरा नहीं हो सकता, तू चल मैं आता हूं, आप महाशय आखिर हैं कौन। और चौथा वाक्य कहता है कि कौन होता है वह ऐसी बात करने वाला। ये सारे ऐसे वाक्य हैं ना जो कि आप दैनिक जीवन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन वाक्यों में गड़बड़ी कहीं हो सकती है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, बताइए। 34वां आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, घ होना चाहिए, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ दोष है। बोलचाल में भले ही ये इस्तेमाल होते हो, माफ कीजिएगा, बोलचाल में भले ही ये इस्तेमाल होते हो, लेकिन इनमें दोष होता है। तो इसमें आप लिखेंगे मेरा सामान तुम्हारा नहीं हो सकता, तेरा शब्द जो है ना ये अशिष्ट है, व्याकरण और
सभ्यता दोनों के लिहाज से अच्छा नहीं। तू चल मैं आता हूं, तुम चलो मैं आता हूं। आप महाशय आखिर हैं कौन? आप हैं कौन है आप? ऐसे आपको पूछना चाहिए, ठीक है? आप महाशय कौन है ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आखिर है कौन, ये आखिर शब्द का इस्तेमाल यहां पर गड़बड़ है। और कौन होता है वह, ऐसी बात करने वाला, यहां पर क्रम विन्यास का दोष है, मतलब शब्दों को अव्यवस्थित क्रम में सजाया गया है। ऐसी बात करने वाला वह कौन होता है, ऐसे लिखना चाहिए था, तो क्रम विन्यास का दोष था। कुछ में वाक्य की पूरी संरचना गड़बड़ थी, कुछ में कुछ वाक्यों में क्रम की अशुद्धि थी, तो कुल मिलाकर सारे वाक्य डिस्टर्ब है और इसीलिए हम घ को चुनते हैं। इसके बाद 35वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो स्वप्न दृष्टा है, सशक्तिकरण है, साइबर है और कैलकुलस है। लिखा कैसे है वो आप देख रहे हैं। शुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए? तो सशक्तिकरण इसमें एकदम परफेक्ट लिखा है, त पे बड़ी की मात्रा होगी, ठीक, बाकी जितने हैं गलत हैं। स्वप्न दृष्टा होता है और ऐसे नहीं लिखा जाता है। स्वप्न, स्वप्न कैसे लिखा जाता है आप जानते ही हैं, और उसके बाद ये दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ ट रहेगा, तो ये हमने देखा। और जो साइबर शब्द है उसमें बड़ी ई की जगह पे छोटी ई होगी। कैलकुलस नहीं होता, कैलकुलस होता है, कैलकुलस होता है, जिसमें कि आप अवकलन और समाकलन, मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर कैलकुलस होता है। तो ये बाकी जो है वो गलत है, सिर्फ सशक्तिकरण की जो वर्तनी है वो सही दी है, यानी ख वाला। इसके बाद नीचे ये जो 36वां क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है संवर्धन, लिखा है संवर्धन, ये त्रुटिपूर्ण शब्द है, शुद्ध क्या होगा बताइए? तो संवर्धन होता है, लेकिन संवर्धन लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे, मतलब इसमें द और ध का कॉम्बिनेशन रहेगा या सिर्फ ध से काम चल जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए, 36वें का, इसमें से घ हो जाएगा, केवल ख वाला। तो अब इसमें आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ख को चुन लीजिए, नहीं तो घ को चुन लीजिए। तो सीधा ख ही को चुन लेते हैं, नीचे कहाँ जाएंगे, संवर्धन हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब इसमें ये जो द और ध का कॉम्बिनेशन है ना, ऐसा वाला। ऐसे ही हम अर्धवार्षिक लिखते हैं, तो उसमें भी हम ध नहीं बल्कि द और ध को मिला के लिखते हैं, तो संवर्धन लिखा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब द का भी हल्का उच्चारण उसमें होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, यहाँ मत्यावरोध लिखा है, सायकिल लिखा है, सूची लिखा है, सूची लिखा है असल में, और शैया लिखा है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो शैया जो लिखा है उसकी वर्तनी जो है वो सही है। मत्यावरोध नहीं होता, गत्यावरोध होता है, यहाँ आप देख रहे हैं वो गलत लिखा है। साइकिल होता है, यहाँ छोटी ही रहेगी, और सूची होता है, सूची होता है, तो बाकी सब गलत है, सिर्फ घ वाला सही है। इसके बाद 38वें को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि तुम कब आओगे बाजार में पकौड़े खाने, बड़ा अच्छा प्रस्ताव है ना, आप तुरंत हाँ बोल देंगे, लेकिन बात यह है कि ये जो वाक्य दिया है ये गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ी है वो आपको बतानी पड़ेगी। पकौड़े खाने आप जाएं बाजार में, इससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वाक्य कैसे गड़बड़ है। तो देखिए और बताइए, वर्तनी का दोष है, क्रम की अशुद्धि है, संरचना का दोष है, शब्दों का गलत इस्तेमाल हुआ है। करेक्ट आंसर इसका ख हो जाएगा, क्रम की अशुद्धि है, मतलब जिस क्रम में आपको शब्दों को सजाना चाहिए था वैसे आपने नहीं रखा है, तो इसलिए गड़बड़ हो गया है। मतलब वर्तनी की अशुद्धि हो नहीं सकती, वर्तनी इसमें कहीं भी कोई ऐसी नहीं है जो कि गलत दिखाई दे रही। तो क्रम आप सही कर दीजिए, तुम बाजार में पकौड़े खाने कब आओगे, ऐसे लिखना चाहिए था, अब यहाँ पे उल्टा सीधा लिख दिया है, तो क्रम की अशुद्धि है। इसके बाद 39वें को देखिए, इसमें पूछा गया है कि शुद्धता, जो शब्द है उनकी शुद्धता पर विचार करके बताइए कि कौन कौन से शब्द इसमें शुद्ध है। तो दैनंदिनी लिखा है, सर्वोपरि लिखा है, भर्त्सना लिखा है, भर्त्सना लिखा है, कैसे लिखा है वो आप देख रहे हैं, और उसके बाद ख्यात लिखा है। शुद्ध कौन सा है, मतलब शब्द कौन सा शुद्ध है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें इसका चौथा वाला हो जाएगा, क और घ, क और घ ये दोनों सही है। दैनंदिनी यानी डायरी को कहा जाता है, तो वो सही है, और ख्यात भी ठीक लिखा है, सर्वोपरि होता है ऐसे लिखा जाता है, और भर्त्सना नहीं लिखा जाता, भर्त्सना होता है, ये जो भ के नीचे ऐसे नीचे रेफ लगा दिया गया है ना, वो गड़बड़ है। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं, जो कि नीचे ही दिया है, कौन सी वर्तनी सही है। तो लालायित को कई ढंग से लिखा है, बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो ये तो सीधा है, आराम से आप कर सकते हैं, ऊपर वाला ही सही दिया है, लालायित ऐसे ही लिखते हैं। और 41वें को देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, जाह्नवी है, जाह्नवी है, जाह्नवी है, अलग अलग ढंग से लिखा गया है, बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा है। और ये जो 41वां है इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, जाह्नवी ऐसे लिखा जाता है, ठीक, मतलब इसमें ह जो है वो आधा रहता है और न पूरा रहता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों को मिला के लिखा गया। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द, और जाह्नवी का मतलब क्या होता है, गंगा को कहा जाता है, गंगा जी का पर्यायवाची है। वर्तनी के लिहाज से शुद्ध कौन सा है, चिन्ह होगा, विवर्त होगा, अनुग्रहित होगा, विरहणी होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो ये जो 42वां है इसका करेक्ट आंसर इसमें से ख वाला हो जाएगा, विवर्त, ये जो है ना ये शुद्ध शब्द है,
विवर्त जो इसमें दिया है वो शुद्ध शब्द है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ है। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसमें ह आधा रहता है और न पूरा रहता है। यहाँ क्या किया है, न को ही आधा कर दिया है। अनुग्रहित होता है न कि अनुग्रहित, और विरहिणी होता है, विरहिणी नहीं। तो ये हमने देखा 42वें में से हमने किसको चुना, ख को चुना, प्रश्न संख्या 43 और 43 ऊपर है। वर्तनी के लिहाज से अशुद्ध शब्द कौन सा है, कोमलांगी लिखा है, सम्मिलित लिखा है, उत्कर्षता लिखा है, अनुग्रहित लिखा है, बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो 43वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा। उत्कर्षता जो इसमें लिखा हुआ है वही अशुद्ध है, उत्कर्ष ही पर्याप्त है, उसमें ता लगाने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह ता प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है। तो उत्कर्ष शब्द जो है वो अपने आप में सफिशियंट है, ता उसमें अनावश्यक है, उसको हटा दीजिए, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, अशुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, मन चंगा जो कठौती में गंगा, मन चंगा जो कठौती में गंगा, और नाच ना आए आंगन टेढ़ा। अब आप ये बताइए कि इसमें अशुद्ध क्या है, तो अशुद्ध इसका ग वाला है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, न कि जो। अब आप ये कहिएगा कि तो और जो लगा दें क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये ना कहावत जैसी है, मतलब जो लोकोक्तियां होती हैं या कहावतें होती हैं जिस रूप में होती हैं उसी रूप में उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें अपनी ओर से कोई करेक्शन या फिर कोई संवर्धन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर होना चाहिए मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये ग वाला गलती है। इसके बाद 45वें को देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मैं गणित के सवाल मेरे लिए हल करूंगा दूसरे के लिए नहीं, और उस चक्की पर तेल पिराई होती है, मुझे आशीष दीजिए, आफत गले आ मरी क्या करें। ये सारे वाक्य दिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। तो 45वां जो है इसका करेक्ट आंसर ग होना चाहिए, मुझे आशीष दीजिए। हालांकि आशीष जो शब्द है ना वो कहीं कहीं शुद्ध माना जाता है, लेकिन ये गलत नहीं है, कुल मिलाकर सही है, मुझे आशीष दीजिए। बाकी जो है वो आप देख रहे हैं, ये इसमें आपको सिर्फ शुद्ध वाक्य ही चुनना था, तो जो अशुद्ध है उनके बारे में भी देख लीजिए। मैं गणित के सवाल हल करूंगा, मेरे लिए हल करूंगा का कोई मतलब ही नहीं है। सवाल अगर आप हल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने लिए ही हल कर रहे हैं। उस चक्की पर तेल पिराई होती है, उस चक्की पर तिलहन की पिराई होती है, ये आपको लिखना चाहिए। तेल को आप कैसे पेरेंगे या आटे को आप कैसे पीसेंगे, वो तो पीसने के बाद का प्रोडक्ट है। और आफत गले आ पड़ी ना कि मरी, आफत जो है वो गले आ पड़ी क्या करें, तो यहाँ मरी की जगह पे पड़ी शब्द होना चाहिए था, तो कुल मिलाकर ग वाला सही है। इसके बाद 46वें में कहा गया अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्म जो है गलत कौन सा है बताइए। तो चिन्ह का चिन्ह होता है, लिखा कैसे गया है वो आप देख रहे हैं, पहले वाले में न आधा लिखा है, दूसरे वाले में ह आधा लिखा है, सही है। मुक्ता का मौक्तिक होता है, मुक्ता मतलब मोती, और न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है, जबकि उपरोक्त सभी ठीक है ऐसा कहा गया, गलत कौन सा है बताइए। तो 46वां जो आप देख रहे हैं इसका ख वाला, मुक्ता और मौक्तिक ये दोनों ही जो है ये अशुद्ध शुद्ध की बात ही नहीं है, दोनों ही सही है। मुक्ता मतलब भी मोती होता है, मौक्तिक मतलब भी मोती होता है, इसमें कहीं भी वर्तनी दोष था ही नहीं, तो इसमें शुद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाकी जितने हैं उसमें जो करेक्शन किया गया है वो ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं, वर्तनी के लिहाज से सही युग्म कौन सा है। महत्व लिखा है और दो ढंग से लिखा है, पहले वाले में आधा त लिखा है, दूसरे वाले में क्या किया है, आधा त दो बार इस्तेमाल किया है, मतलब ऐसे त के ऊपर एक और आधा त है, महत्व। रविंद्र नहीं होता, रविंद्र होता है, सदृश नहीं, सदृश मतलब सदृश नहीं होता, सदृश होता है, बताइए इसमें से जो सही शब्द युग्म है वो कौन सा है। तो 47 को आपने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो घ होगा, सभी सही है, मतलब सभी को जो सही किया गया है या करेक्शन किया गया है वो परफेक्ट है। इसके बाद 48 को देखते हैं, गलत वाक्य का चयन करना है, महात्मा ने उसे श्राप दिया, ठीक, और वहां बहुत नीची खाई थी, अशोक अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी थी, और उपरोक्त सभी, तो गलत वाक्य कौन सा है बताइए। गलत सभी है, सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कैसे, महात्मा ने उसे श्राप दिया, श्राप नहीं दिया, श्राप दिया, और वहां बहुत नीची खाई थी, खाई तो नीची होती ही है, वहां खाई थी, ऐसे लिखना चाहिए। और नीची अगर लिखना ही है तो उसकी जगह लिखिए गहरी, नीची की जगह पे गहरी शब्द यहां इस्तेमाल होना चाहिए था। और अशोक के अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी नहीं थी बल्कि लिपि ब्राह्मी थी, यहाँ पे भाषा की जगह पे लिपि का इस्तेमाल होना चाहिए, तो सभी गलत हैं। और देखिए 49वें प्रश्न को, शुद्ध अशुद्ध जो यहाँ दिया है उसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। तो देखिएगा इसमें ध्यान से, कौवा लिखा है और कौवा लिखा है, चातुर्यता लिखा है, चातुर्य लिखा है, दुधारू लिखा है, दुधारू लिखा है, भस्म ऐसे दोनों लिखा हुआ है, गलत कौन सा है बताइए। तो 49वां जो आप देख रहे हैं इसका भी घ वाला, भस्म, ये भस्म ऐसे जो लिखा है वो गलत है, तालव्य श नहीं रहता है, भस्म ही होता है, मतलब यहाँ पे ये आधा स ही रहता है, तो ये वाला सही था, ये गलत था, तो उल्टा कर दिया है ना, शुद्ध नहीं किया बल्कि उसे गलत कर दिया, तो घ वाला इसमें गलत हो गया। बाकी जितने हैं वो ठीक है, कौवा ऐसे लिखा जाता है, चातुर्य ऐसे, और दुधारू भी ठीक है। र पे बड़े ऊ की मात्रा होती है दुधारू में, ध्यान दीजिएगा, छोटे ऊ की नहीं, बड़े ऊ की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द्रवीभूत
ये शब्द है, इसको आपको शुद्ध करना था। तो शुद्ध करने के बाद आप देख लीजिएगा कैसा होगा, लेकिन इसमें यह बताना है कि उसके स्वरूप में त्रुटि कैसी है, मतलब आपने शुद्ध किया तो गलती कैसी थी, मात्रात्मक थी, वर्तनी की थी, व्याकरण की थी। तो करेक्ट आंसर इसमें घ होना चाहिए, सभी प्रकार की थी। सभी प्रकार की इसलिए थी क्योंकि मात्रा की ही गड़बड़ है, द्रवीभूत छोटी की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, तो मात्रात्मक अशुद्धि हो गई। मात्रा गलत होगी तो वर्तनी का दोष होगा, और वर्तनी अगर गड़बड़ हुई तो व्याकरण गलत हो जाएगा, है ना। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक गड़बड़ होगा सब गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए सभी प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो सब मानेंगे। तो यहाँ हमने इसे चुना है और इस सेक्शन में बस इतना ही। ऐसे बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।